दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है LPG, ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही LPG पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं myLPG.in होम का वेबसाइट आ चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका तीनों गैस सिलेंडर का यहाँ पे आइकन बन के आ चुका है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके डायरेक्ट इस पेज पे आप ओपन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपका जो भी गैस कनेक्शन हो, जैसे कि भारत है, HP गैस है, इंडियन है, जो भी आपका गैस सिलेंडर है आपके घर में यूज होता है और आपको मोबाइल नंबर जानना हो तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है जो गैस आपके पास है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सबका जो भी गैस सिलेंडर आपका यूज होता होगा आपके घर में, वो क्लिक कर लेंगे, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे इंडियन है तो मैं यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से आपको LPG गैस का आइकन बना हुआ है और यहाँ पे LPG गैस लिखा हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सिडी रिलेटेड पहल का एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्सिडी नॉट रिसीव्ड का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे आधार लिंक इशू का ऑप्शन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे LPG ID मांगा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर पता करने का आपको एक ही तरीका है कि यहाँ पे अगर आपके पास LPG ID नंबर है, यहाँ पे LPG ID नंबर डाल देंगे। अगर LPG ID नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नो योर LPG ID, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि कंज्यूमर नंबर वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना LPG ID फाइंड कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर आपको दोस्तों क्लियर नहीं है कि कौन सा मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे आपके घर में जितने भी मोबाइल नंबर है, 2, 4, 5, उसको बारी बारी से यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो मोबाइल नंबर अगर आपने उसमें दिया होगा तो वो मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से आप बारी बारी नंबर डाल के अपने घर में जितने भी आपके फ़ोन नंबर हैं, बारी बारी से सारे नंबर को डाल के यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक नंबर डाल के देखता हूँ कि क्या वो नंबर हमारे LPG ID में रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक नंबर डाला है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख के आ गया है कस्टमर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, मतलब ये मोबाइल नंबर इसमें नहीं रजिस्टर्ड है, ठीक है। फिर से आप दूसरा ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बारी बारी आप सारे नंबरों को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से दूसरा नंबर भरा हूँ और फिर से सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मैच कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका लास्ट 4 डिजिट शो कर दिया है, नाम शो कर दिया गया है, मोबाइल नंबर और आपका एरिया भी बता दिया गया है और गैस एजेंसी का नाम भी बता दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सारा चीज़ मैच कर दिया है और सारे चीज़ को यहाँ पे आपको लिख के दर्शा दिया गया है और आपको कब कब सब्सिडी मिला है ये भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका सारा डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन भी सब प्रोवाइड कर दिया गया है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको कन्फर्म भी हो गया है कि आपका LPG गैस में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।